सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है सैंग हिंग बाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें ये जानेंगे कि एग्ज़ाम कब होना है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होना है, इसकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म की कॉस्ट क्या होती है, और सबसे बड़ी बात है इसमें ये जानना है कि ये कौन से कोर्स ऑफर्ड करता है, क्योंकि ये बहुत सारे कोर्सेज B.Sc एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट जो हैं वो ऑफ़र करता है। तो के साथ साथ जो है हम ये डालेंगे जानेंगे कि सेमेस्टर की फ़ीस क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम UG के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए करता है B.Sc एग्रीकल्चर, B.Sc हॉर्टिकल्चर और B.Sc एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग करता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन PG के लिए MSc के लिए एग्रोनॉमी MSc एग्रोनॉमी है। साथ ही साथ जो है आपका जो है हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर फूड्स एंड वेजिटेबल फ्लोरिकल्चर जेंटिस प्लांट GPP है, एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं B.Sc फॉरेस्ट्री को भी जो है ये ऑफर्ड करता है, ठीक है। ये डिप्लोमा प्रोवाइड करता है आपका फिश टेक्नोलॉजी के लिए 1 ईयर का और 2 ईयर का, ठीक है। यहाँ पर UG के लिए BTech एग्रीकल्चर है, फूड टेक्नोलॉजी है। साथ ही में अगर हम MTech की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इरिगेशन एंड ड्रेनेज है। फिर नेक्स्ट में हम ये देखते हैं इसके पास जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कसोइल कंजर्वेशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतने सारे कोर्सेज ऑफर्ड करता है जो उत्तर प्रदेश या अदर कोई यूनिवर्सिटी इतने सारे कोर्सेज जो है नहीं ऑफर करते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो जितने कोर्सेज आपका जो है नहीं SHUATS ऑफर करता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो इतने कोर्सेज एक साथ जो है ऑफर करता हो। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ICAR से एक्रेडिशन है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ICAR से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि बहुत सारे डिग्री कॉलेज हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट होने के बाद भी उनको जो है ICAR ने मान्यताएं नहीं दी हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर यूनिवर्सिटी में जाके UG कर रहे हैं, फिर वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं PG में ICAR के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है सैंग हिंग बॉटम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोर्सेज है आपका मैनेजमेंट में BBA है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से। अगर PG की बात करें तो PG जो है आपका जो है यहाँ पर मैनेजमेंट में यहाँ पर है MBA है ना, साथ में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो है इसके साथ में ये ऑफर्ड करता है, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा कि इसमें ऑफर्ड कौन सा कोर्स करता है, तो हमने देखा कि B.Sc. है, MSc. के बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैंने आपको बताया कि इतने सारे कोर्सेज करता है कि कोई यूनिवर्सिटी जो है इतने सारे कोर्सेज ऑफर्ड नहीं करती है। अभी देखते हैं इसकी जो एग्ज़ाम की डेट क्या है और फॉर्म क्या है। फॉर्म के बारे में देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, ठीक है। तो इसे ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और साथ में ऑफलाइन भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी जो है मई 2020 है, ठीक है। और ऑफलाइन अगर फॉर्म लेते हैं, यूनिवर्सिटी से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो उसकी जो है सबमिशन की लास्ट डेट है आपकी 12 मई, ठीक है। नेक्स्ट में हम ये देखते हैं यहाँ पर ICAR के बारे में देखें, ICAR की 15% सीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ए रिजर्व है, 50% सीटें जो हैं 15% सीटें रिजर्व हैं ICAR की। और यहाँ पर एक चीज़ देखा है, थ्रू एंट्रेंस कंडक्ट बाई SHUATS शेड्यूल 27 मई को जो है इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो हमने अभी ये देखा कि लास्ट डेट जो है अगर हम ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो 12 मई है, अगर जो है हम ऑनलाइन करते हैं फिल फॉर्म तो उसकी लास्ट डेट जो है 18 मई है, ठीक है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो 27 मई है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है बहुत सारे बच्चे पिछले वर्ष जो है बहुत सारे फॉर्म लोग भरते हैं, लेकिन वो जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरे उसको रख लिए। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन में तो फॉर्म भेजना ही पड़ता है, ऑनलाइन का जो फॉर्म का जो प्रिंट आउट होता है वो भी आप लोग को जो है भरना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिया है
फीस पेड बैंड फोटोग्राफ अपलोड काइंडली हार्ड कॉपी प्रिंट ऑफ दिस सेम सेंड इनटू रजिस्ट्रार ऑफिस। तो ये जो है 18 मई से पहले पहले उसको जो है क्या करनी है, भेजनी है। ठीक है, वहाँ पर जब प्रिंट आउट लेंगे तो वहाँ पर उसका एड्रेस सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन रहेंगी आपकी। ठीक है, तो फॉर्म या तो ऑफलाइन है उसको तो भेजना ही होता है, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसको भी फॉर्म को भी आपको नैनी इलाहाबाद स्याट्स भेजना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर आपका दे रखा है डिटेल ऑफ अंडर ग्रेजुएट बुकलेट टेस्ट, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो बच्चे PCM के हैं, PCB के हैं, PCMB हैं या HBC के हैं, उनके लिए ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, साथ ही साथ जो है आपके जो है सेक्शनल हैं, तो एक कंपलसरी है। कंपलसरी में आपका जनरल एप्टीट्यूड, आपका जो है मेंटल एबिलिटी 60 क्वेश्चन आता है। ठीक है, कुल जो है 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 60 क्वेश्चन आपका जो है मेंटल एबिलिटी रहेगा, 30 आपका फिजिक्स, 30 आपकी केमिस्ट्री रहती है, बाकी जो है चूज करने रहते हैं कोई 3 सब्जेक्ट। तो ये 90 क्वेश्चन आपको चूज करने होते हैं और 60 क्वेश्चन जो है आपके जो है कंपलसरी होते हैं, जो आपको करने ही होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो एग्रीकल्चर के हैं या आर्ट के हैं, तो उनके लिए क्या है, पहला जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी है जनरल एप्टीट्यूड, इनके में 150 क्वेश्चन होंगे, 50-60 क्वेश्चन जो आपके जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के होंगे, फिर उसके बाद से आपके जो है 90 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर से या आर्ट से या कॉमर्स से लेने रहेंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि मुझे क्या लेना है, यहाँ पर नीचे जो है मैं दे रखा है पूरा का पूरा, तो मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, वहाँ डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए मैं बताता हूँ क्या लिखा, कैंडिडेट ऑल सब्जेक्ट ग्रुप मेंशन एवव आर रिक्वायर्ड अटेम्प्ट कंपलसरी सेक्शन है, सेक्शन ए को कंपलसरी है। ठीक है, फिर 3 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्शनल सेक्शन, 3 सब्जेक्ट, जैसे कोई क्या किसी का अगर PCM है तो फिजिक्स लेगा, मैथ लेगा, केमिस्ट्री लेगा, ये तो आपका कंपलसरी है ही है। ठीक है, कोई बायो है तो फिजिक्स लेगा, केमिस्ट्री लेगा, बायो लेगा, तो ये क्या करना है, एक कंपलसरी जो है ये फिर 3 चूज करना रहता है। सेकेंड में ये देखते हैं क्या दे रखा है, कैंडिडेट ऑफ द हैव मेंशन सब्जेक्ट ग्रुप कोड रिक्वायर्ड अटेम्प्ट कंपलसरी सेक्शन ए, सेक्शन ए को जो है क्या करना है, कंपलसरी करना है, साथ ही बी वन फ्रॉम ऑप्शन, वन फ्रॉम ऑप्शनल सेक्शन बी, ये कोई चूज करना है। तो इनको क्या करना है, यहाँ पर जो है इनके लिए क्वेश्चन रहेगा 60 क्वेश्चन जो है आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, और फिर 90 क्वेश्चन जो है इनके एग्रीकल्चर से रहेंगे, जो इंटर एग्रीकल्चर से होंगे। ठीक है, उनके लिए सारी डिटेल मैं दे दूंगा, आप सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी के साथ जो इंटर एग्रीकल्चर से होते हैं उनके लिए बहुत ही आसान पेपर हो जाता है। ठीक है, चूँकि उसमें जो है 60 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड के हैं, 90 क्वेश्चन जो हैं आपके सिर्फ एग्रीकल्चर के हैं, और जो PCM PCB के होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं इसमें या निगेटिव मार्किंग बता दें आपको, निगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्ट, 1 मार्क जो है अगर आप गलत करते हैं तो आपको काट लिया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इंट्रेंस की डेट दे रखी है, जो अंडर ग्रेजुएट BSc के लिए है 27 को होगा, मॉर्निंग होगा 9 से 11 होगा। जो MSc के लिए बच्चे जा रहे हैं, MSc एग्रीकल्चर के लिए 27 को होगा, इवनिंग में होगा, 2 से 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल 12 मई से आपका जो है एडमिट कार्ड जो है मिलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है फॉर्म की फ़ीस दे रखी है, फॉर्म कितने का होगा आपका, तो यहाँ पर दे रखा है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ऑल एग्ज़ाम, ऑनलाइन अगर करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आपकी जो है होगी 1500 रुपये रहेगी फॉर्म की फ़ीस। ठीक है, टेस्ट सेंटर की बात कर लें, टेस्ट सेंटर जो है बहुत सारे हैं आपका जो है, जयपुर है, इंदौर है, इलाहाबाद है, आगरा है, बरेली है, बेंगलोर है, भोपाल है, कोचीन है, पटना है, लखनऊ है, कोलकाता है। साथ ही हम जो भी स्टूडेंट हैं उनको बता दें, जो जैसे कि ICAR है, BHU का है, या VP कैटेट, या अपना कोई किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम डेट जो है
अपने अनुसार डालिएगा कि एक पास रहे, बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना ना पड़े, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं सीट्स कितनी हैं अंडर ग्रेड प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर B.Sc.Ag की सीट जो है 45, ICAR की है 255, यूनिवर्सिटी की है कुल मिला के 300 सीट है। B.Sc. अगर हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो 120 है, B.Sc. फॉरेस्ट्री की है, ठीक है। M.Sc. की बात करें, M.Sc. में एग्रोनॉमी में ये 60 है, हॉर्टिकल्चर में ये 40 है, ठीक है। पैथोलॉजी में आपकी जो है 60 है, एंटोमोलॉजी में आपकी जो है 60 है, तो इसमें बहुत सारी जो है सीटें हैं, ठीक है। B.Sc. एग्रीकल्चर की बात करें तो 300 B.Sc. एग्रीकल्चर की ही सीटें हैं। B.Sc. एग्रीकल्चर जो 8 सेमेस्टर का होता है, और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 PCMs होना चाहिए या PCBs होना चाहिए, PCMB से या फिर इंटर एग्रीकल्चर से होना चाहिए। बिल्कुल सेम सारी चीज़ें जो हैं एक ही तरीके की हैं। M.Sc.Ag में तो फिर आपका जो है B.Sc. जो है आपका एग्रीकल्चर साइंस से या हॉर्टिकल्चर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे जो है मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए मैंने बताया था, ये जो है BBA कराता है एग्री फिजिक्स में, तो यहाँ पर जो सीटें हैं इनकी जो है 60 हैं। अगर यही बात हम PG की करते हैं तो PG में जो है 120 सीटें हैं। तो अगर जो है आपको B.Sc. UG अंडर ग्रेजुएट जो मैनेजमेंट से करना है तो वहाँ पर 60 सीटें हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट MBA करना है एग्री बेस्ड मैनेजमेंट से तो वहाँ पर 20 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका। फीस स्ट्रक्चर क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर B.Sc. एग्रीकल्चर के लिए, B.Sc. हॉर्टिकल्चर के लिए, B.Sc. फिशरीज के लिए, ठीक है, सब में जो है आपकी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 51,000 रुपये लगेगी, सेकेंड सेमेस्टर में 56,000 रुपये, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ एट्थ सेमेस्टर तक का जो है आपकी जो है 51,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट एट एडमिशन 10,000 रुपये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब हम M.Sc.Ag के लिए देख लेते हैं। M.Sc.Ag के लिए एग्रोनॉमी है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग है, हॉर्टिकल्चर है ना, प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, सोयल साइंस है। इसके लिए M.Sc. चूँकि 2 साल के लिए होती है तो फर्स्ट सेमेस्टर में 51,000, सेकेंड सेमेस्टर में आपकी जो है 56,000 रुपये है, फिर 51,000 लगेगी और 10,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं आगे, हॉस्टल फीस देखते हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन है जुलाई 2020 से जो इसमें जो है फीस दे रखी है। यहाँ पर एक ओल्ड हॉस्टल मेंशन है, ओल्ड हॉस्टल के लिए है ये 23,000 रुपये। यहाँ पर क्या डबल सीटेड है और डबल सीटेड है पर ईयर, 23,000 रुपये डबल सीटेड आपका पर ईयर पड़ेगा। अगर 4 सीटेड लेते हैं तो 18,000 है, या मल्टीपल सीटेड लेते हैं तो 12,000 पर ईयर है, ठीक है। न्यू हॉस्टल का आपका 25,000 हो जाएगा, इंटरनेशनल हॉस्टल है वहाँ पर 30,000 रुपये, PG हॉस्टल कॉमन तो ये जो है 27,000 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए क्या है। तो गर्ल्स के लिए ओल्ड हॉस्टल 22,000 के लिए है, ओल्ड UG हॉस्टल 27,000 रुपये है, 2 बेड का है, 4 बेड का जो है 17,000 रुपये है, 20,000 रुपये है। मैं इसका सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से देख के पूरी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। हमने जो है बहुत सारी आपको जानकारी दी, आपने देखा भी, साथ में एक लास्ट में देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट का जो है आपका जो है एक एक मई सॉरी यहाँ आपका दे रखा है लास्ट डेट कंप्लीट जो है 12 मई को जो है कंप्लीट करना है, लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन, तो 18 मई तक ऑनलाइन जो है आपको जो है सबमिश कर देना है, और लास्ट डेट रिसीविंग चालान फोटोग्राफ ऑनलाइन जो ऑनलाइन भरेंगे उसको जो भेजना है वो भी 18 तक जो है आपको भेज लेना है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है आपका जो है ये 12 को रिलीज हो जाएगा, ठीक है। साथ में हम ये देखते हैं एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो 27 को होगा मॉर्निंग में होगा, आपको बताया अभी पहले, पोस्ट ग्रेजुएट का आपका जो 27 को होगा इवनिंग में होगा, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ छूटी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, अगर कोई अगर जानकारी चाहते हैं तो वो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।